मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं राखी और सिंदूर और डाकू राका। कहाँ जा रही हो मेरी कुल असीरा, कहाँ जा रही हो? दोस्त बनाया है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलो। कहते हैं क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। मैं तो उस मौके का तलाश करता हूं कि मेरी जिंदगी आपके काम आ जाए। यानी शायरबाजी भी कर लेते हो तो शायरी का मुझे भी शौक है। ऐसी बात नहीं बोली जाती है, एहसान मैंने नहीं किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं भी कुछ काम आ सकूं। कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। अगर आपने मुझसे दोस्ती किया है और दोस्त बनाया है तो दोस्त नहीं बल्कि मैं तुम्हें भैया कहके पुकारूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा। बोलो बोलो। भरोसा रखो हमारी दोस्ती पर, भरोसा रखो हमारी दोस्ती पर, हम किसी का दिल दुखाया नहीं करते। अच्छा। आप और आपका अंदाज हमें अच्छा लगा, वरना हम किसी को दोस्त बनाया नहीं करते। भाई वाह, तुमने तो ऐसी बात कह दी, लेकिन एक बात हमें भी याद आ गई है। बरखुरदार कहते हैं कि मतलब की है दुनिया, मतलब की है दुनिया, और कौन किसी का होता है, और धोखा वही देते हैं जिन पे एतबार होता है। नहीं भैया ऐसा मत कहो, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। छोड़ो यार, देखो ये बात हो गई शायरबाजी, ये कोई दिल पे मत लाना। अगर ऐसी बात कहते हो तो हमारे दिल पे लग रही है। नहीं नहीं नहीं, दिल पे मत लाना। और इसीलिए कुछ और कहना है। बोलो। दिल लेके, दिल लेके दगा देंगे, दिल लेके दगा देंगे, यार हैं मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे, दिखा दे।
कभी मुझे रुलाना मत, क्योंकि मेरा दिल बहुत। ऐसी बात नहीं है कि तू मेरा छोटा भाई है? मेरा कोई भाई नहीं, मेरे पिताजी जो थे तो बचपन में भगवान को प्यारे हो गए थे। अच्छा अच्छा। और आज अगर मुझे दोस्त बनाया और मैं तुम्हें भैया कह के पुकारूंगा, इसीलिए कहता हूँ कभी भी मुझे रुलाना मत। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूंगा, यही विनती करूंगा कि हमारी तेरी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। ठीक है, आज के बाद तुम थाने में रहोगे, थाने में रहो, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी हमसे कहो, खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है हमसे कहो, और मैं तेरे लिए आज से कल तक नौकरी ढूंढूंगा। अरे कोई काम क्या, कोई पॉलिश करने वाला, जूता काम, साफ करने वाला काम थोड़ी ढूंढूंगा, कोई अच्छा काम, मेहनत ना होना चाहिए, लिखा पढ़ी का पढ़े लिखे तो है ना, बस कोई अच्छा काम मिल जाएगा वो काम करवा दूंगा। अब ये कह दो कि कहीं पर कहीं चारा काटना है, कहीं खेत में कुनिया गोड़ना है, कहीं कुछ करना है, ये काम तो सब थोड़ी करवा दूंगा। ठीक है, थाने में रहो और मैं मुझे और कुछ देखना है। हमारे कपड़े वहीं रखे हैं, मैं अपने कपड़े वपड़े लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा लड़का है। बातें तो यार ये बहुत बड़ी बड़ी करके गया है, दुनिया को दिखा देंगे यार है, मतलब के शेर व शायरी तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन ये हम ये देखेंगे कि ये खरा लड़का उतरता है अपनी बात के ऊपर कि हम खरे उतरते हैं, बस यही देखना है हम। देर नहीं हो रही है कहाँ? अरे बड़ी खुशी की बात है, डाकू जी और इस इलाके का जिसने तहलका मचा दिया था, आज साले को मैंने अर्श किया है और अदालत में गवाही। यही सब करते रहो। आजीवन कारावास की सजा हो गई है और डीएम साहब ने मुझे ऑफिस में बुलवाया है। और चलना नहीं क्या? कहाँ? अब ये भी बताना पड़ेगा है? मैं बताऊं? मुझे कुछ ध्यान नहीं है भाई। ध्यान कहाँ रहेगा, हमेशा डाकू चोरों के पीछे पड़े रहते हो। ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, ड्यूटी भाई देखो, ड्यूटी के आगे हम कुछ नहीं जानते। बताऊं? आज शादी सहेली की भैया जी है, आज शादी तैयार घर से ऊपर आ गई, क्योंकि जाना हमें बस बहुत दूर है। अब याद आया है, जो बता रही थी नंदा नाम की सहेली है, उसकी शादी है। हाँ। और निमंत्रण भी आया, कार्ड भी घर पर रखा हुआ है, और कह कर गए थे सब लोग कि आना जरूर, और आपने भी वादा किया था भाई जरूर आऊंगा। जरूर आएंगे, लेकिन बहन अब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। बहन देख, मैंने क्या तुझसे बताया है कि राका डाकू को मैंने गिरफ्तार किया है, और राका डाकू को मैंने गिरफ्तार किया है, और आज उसकी गवाहियां भी पड़ेंगे, और डीएम साहब ने मुझे अपने स्वयं बंगले पे बुलवाया है। आज तेरे भाई को गोल्ड मेडल मिलेगा है, ये दो सितारे लगे हुए हैं, हो सकता है कि तीन सितारे लग जाए इसमें। बस सितारे सितारे सितारे, कहीं आना जाना नहीं, रिश्तेदारी में जाओ अगर नहीं तो रिश्तेदारी कहाँ से? तुमको क्या मालूम है, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम्हें मालूम हो जाता। मैं होती कैसे? तुम तो सिर्फ खाना जानो, पढ़ना जानो, नहीं घूमना जानो, और क्या है? मैं तुम्हारी जगह पर होती क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्टरी का फॉर्म डाला है, मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, हम क्यों ऐसी ड्यूटी करें जो कभी फुर्सत ना मिले। मेरी बहन तू समझदार है, तू डॉक्टरी पढ़ रही, फिर भी तुझे बताने की जरूरत क्या? देख ऐसा है, मैं अभी जा रहा हूँ डीएम साहब के ऑफिस में, और मैं बस अपनी बात मुख्तसर करके, मैं यानी फाइनल करके, और तू आगे चल, तब तक उन लोगों को, और तुम वहां पर चलो जब तक कि तुम अपने सहेलियों के साथ बैठोट होगी, और टाइम निकाल करके मैं आ जाऊंगा, और अगर नहीं आ पाया मैं तो वहां पर ये बता देना कि भैया देखो पुलिस वाले हैं, उनके पास अनेकों काम रहते हैं, ना नहाने की फुर्सत, ना खाने की फुर्सत, कोई ना कोई तो साला बवाल ही लगा रहता है ना? ये कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, और क्या, आपको हमेशा से कभी कभी टाइम नहीं मिलता है कहीं जाने का, अब मैं अकेली जाऊंगी क्या? अरे कैसे समझाऊं, तू बड़ी ना समझ है। हाँ मुझे कुछ आता ही नहीं।
देखो बहन, जब तक तुम वहां पर जाना वो कह देना कि भैया आ जाएंगे और 1000 इक्यावन निमंत्रण दे देना, और मेरी तरफ से उसके लिए शुभकामनाएं कह देना कि भैया ने बहुत दुआ दिया। तुम कैसी लड़की हो पुलिस वालों की? मैं तुम्हारा भाई जरूर हूँ, लेकिन अब बात यह है यहाँ उसके बाद देखे कि वहां जाना जरूरी, समझे? समझ नहीं रही हो तुम बात को? और तुम जा तो रही हो, लेकिन अपना ख्याल रखना, और अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हर इंसान को अगर बहन मिले तो मेरी जैसी, भैया मिले तो मेरे जैसा। हाँ, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए कि माँ बाप हमेशा किसी के जिंदा नहीं रहते हैं, और वो तो सबको ऊपर वाले ने पैदा किया है, और ऊपर वाले का सबका जब बुलावा आएगा सबको जाना पड़ता है। लेकिन आज तक मैंने किसी चीज से तुझे महरूम नहीं होने दिया। तूने जिस चीज पे हाथ रख दिया मेरी बहन, वो चीज तेरे सामने मैंने ला करके रख दिया। मैं जानती हूँ कि अगर मैं चांद सितारे मांगू मेरा भैया भी लाकर मुझे देगा। अरे तेरे सिवा मेरा है कौन? लेकिन मैं चांद सितारे मांगने कहाँ लगी, क्यों मांगू ऐसी चीज जो मेरा भाई मुझे देने सके? नहीं नहीं लड़कियां तो भाई देखो ऐसा है, लड़कियों के लिए चांद सितारे तो क्या है, अगर कफन में भी चांद सितारे लगा तो जब इनकार नहीं करेंगी। नहीं नहीं ये बात नहीं भैया, मैं जानती हूँ बचपन से लेकर आज तक कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं जो मेरी आपने पूरी नहीं। मैं अपनी बहन की जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। फूलों का तारों का सबका कहना है, क्या 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, समय ज्यादा हो गया, मैं ऑटो से निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, वो उसको ड्राइवर को भेज दे। नहीं नहीं, अगर इंस्पेक्टर की बहन है, किसी गुंडे मोहल्ले की हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ नजर उठा करके देख ले, है ना? जानती हूँ। बताना कि मैं सागर इंस्पेक्टर की बहन हूँ, सारे दाएं मैं रास्ता छोड़ करके भग जाएंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखना। अरे हम अपना ख्याल रखेंगे, पहले हमको डीएम साहब क्या जाने दो भाई, हम अपनी बात नहीं भूलते हैं। चोर डाकुओं का पीछा किया करते हो, हमको हमेशा घंटी आ रही है, डर ही लगा रहता हमको हमेशा। एक आपसे गुजारिश है माइक वाले भैया, हेलो माइक मास्टर, इस पे डबल कुर्सी लगा दो, माइक भी ऊंचा हो जाएगा, डबल कुर्सी लगा दो बस, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। ठीक है भैया, मैं चल रही जा। नमस्ते, बाय। हे भगवान, मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन जैसी हर इंसान को बहन मिले, क्योंकि इतना मेरा ख्याल रखती है, लेकिन हमने भी कोई कम कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं, ये ऐसा रखो, ये मतलब भर के है, इस पे डबल कुर्सी लगा दो, एक ईटा नीचे रख दो, उसके ऊपर कुर्सी रख दो, और फिर ईटा ऊपर रख दो। ठीक है? हमारा माल तो छूट गया, रुपया तो पड़ गया 50,000, लेकिन 20 लाख का माल था, छूट गया। लेकिन यार
ये साला मुंबई शहर अजीब है, हर लौंडिया देखता हूँ साली सब सेक्सी कपड़े में नजर आती है। अरे भाई शहर का लौंडिया कुछ और है। लेकिन यार ऐसी कोई लौंडिया हमको नहीं जमी जिससे हम दिल लगाए। चल आगे चलते हैं, गाड़ी हमारी वहां छोड़ गई है, गाड़ी गड़बड़ है, छोड़ कर आए भैया। चलो देखते हैं आगे चलते हैं, आराम से टहलते हैं, अभी दो दिन और टहलेंगे, उसके बाद अपने घर यानी कि अपने जिले अपने शहर बस्ती जाके चलेंगे। चलो गाड़ी बन गई हुई। हाँ हो कितना बन गई हो, ठीक है। चलो अगर ऊपर वाले तुमसे प्रार्थना करते हमको कोई लौंडिया अच्छी ढूंढो, बाबा कोई तुम्हारी निगाह में लौंडिया है नहीं है? अरे तुम्हारी निगाह में नहीं है तो हम ढूंढ लेंगे। हाँ काहे परेशान हो, अब आप नरमिन आए हैं बाबा कर रहा हूँ भाई। अरे बाबा तो रोकना हैया हैया करते हैं। ये मामला क्या है, आधे घंटे से बैठी हूँ कोई ऑटो वाले नहीं आ रहे, पता नहीं क्या आज कोई दंगा फसाद हुआ क्या आज, जो सारे ऑटो वाले चले गए। खैर तब तक इंतजार करती हूँ, कोई ऑटो वाला आएगा तो निकल जाऊंगी। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की कली, गीत गाए नदिया लहरों में शरण, नहीं तो इसे नहीं दिखाई पड़ता क्या? हाँ तो गलती इसकी है ना। हाँ ये कितना बदतमीज है, कहाँ से आ रहे तुम लोग? अरे 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 यही हमारे नौकर हैं, हम इनके मन नहीं आने। बौद्धलिक हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हारे नौकर हो। कहाँ से आए? कहाँ से? बाप रे बाप, ओ फो तुम तो बड़े घर राटे काट रही हो। अच्छा लौंडिया काट रही है तो क्या तुम्हारी फाट रही है? ओ कहाँ से आए हो? हम तो गांव से हैं, देहाती समझ लो, देहाती मकैया बस्ती सब साले, हम बस्ती जागीर के रहने वाले हैं। ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? गोंडा जिला। ओ गोंडा जिला चमरौधे में। यहाँ चमरौधे चमरौधे काला कोटा। अच्छा तो यहाँ कैसे आ गए? कोई नहीं, हमारा माल थोड़ा यहाँ से आ रहा था, वही थोड़ा काम था, वहाँ आ गए। ठीक है आप जा सकते हैं। जा सकता हूँ लेकिन कोई ऑटो वाले नहीं आ रहे थे, मैं इंतजार कर रही थी। आओ चलो, आओ आओ तुम आओ। अब साले लौंडिया इतनी स्मार्ट मिली है, इसको छोड़ कर हम चले जाएं? जो या मुंह नहीं रहा अखा।
तभी हमारे बारे में बात कराओ। अरे साले हरामी, वो कहावत कहते हैं कि बाजार लगी नहीं गिरा काट पहले से। कहने का मतलब हम कोई अभी बात नहीं किए हैं तो मतलब हमारे बारे में बात करो। हम कहे जुगाड़ से आए रहा कैसे हम कह रहे जो बात नहीं बने कहे बने हम कहा तुम चुम्मी जो आई जो ढाई तीन चुम्मी उनको क्या करोगे हम लीजिए बेगा रखा और तो चाय बनवाई भाई तो चाय बोरी बोरी खा भाई। साले तलबुड़का साले घर उचका तुमको तमीज नहीं है साले चुम्मी चाय बोर पर खाई जाती है। चुम्मी हमारे साले हो चुम्मी कैसे ली जाती है अब जान गया। अच्छा चाय बोर बोर नहीं खाई जाती है और लोनम चबोर चबोर खाई जाती है। अरे साले चुप कैसे गिर जाती है ऐसे समझो साले। देखो देखो तुम थोड़ी देर खामोश रहो हम इससे बात करते हैं। सुन अगर पड़ जाएगी तब हम हैया करेंगे तुम भी हैया करना। अब हम जाए नहीं जाओ नहीं बैठो ऐसे बैठो फोहर मेहरबान बना ना बैठो। अरे साले मैंने बोल साले पैजामा फटा लेकर भी फटी है। तुम जाओ तुम जाओ हम तुम भैया रहोगे तो हमारा कोई काम नहीं होने दोगे। देख कितनी समझदार लौंडिया है जो खामोश खड़ी है हम तुम बात कर रहे हैं। काहे काहे बहुत ज्यादा तो आधा घंटा ठीक है। हाँ जाओ ना करो देखे रहा देखे रहना। बोलिए क्या बोलो तुमको देखकर अपना नाव गांव रास्ता सब भूल गए। ऐसा क्या अरे तुम इतने खुद नहीं ये बात नहीं है लगता है आप यहाँ नए हैं इसलिए नाम वो रास्ता भूल गए। नहीं नहीं नए नहीं हूँ मैं आजकल 5 दिन बाद मैं आता हूँ मुंबई। मालिक ओ मालिक अब आ जाए अब आए देखो वाकई में तुम्हारी जितनी तारीफ करो कम है आप बहुत खूबसूरत हैं। वाकई में जितनी तारीफ करो कम है मुझसे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हरकत कर रहे हैं कुछ मुझसे। आप बिल्कुल बस बिल्कुल लाही का फूल लग रही है। मुने जुलू गाड़ी बताओ क्या ये तुम्हारे साथ है। हाँ ये हमारा नौकर है। ये कैसी बदतमीजी मेरी बातें कर रहा है। हम बस्ती जागीर के जमींदार हैं हमारा नाम है ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह। और आप बहुत स्मार्ट है तो अब बात हो गई अब आप अपने रास्ते जाइए मुझे अपने रास्ते जाना। नहीं बात नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं आपसे मुझे प्यार हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो कहे प्यार हो गया है प्यार हो गया। नहीं नहीं मुझे प्यार नहीं हुआ चलो अपना रास्ता नापो कहे तो बिल्कुल बीडीसी की बहन लग रही हो। तुम लोग हम रहे हो अब इनके दांत बाप हया हया करेंगे। लौंडिया है या साली 11,000 लाइन है क्या मस्तो भाई अटल चैनल वाले लौंडिया है या साली 11,000 लाइन है। साथ मुझे पहचानते नहीं हो कौन हो भाई। मेरे भैया का नाम तुमने सुना नहीं होगा मेरे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हैं। क्या नाम है
मेरे भैया का नाम इंस्पेक्टर सागर सिंह। सीने के बल लटाकर पिछवाड़े पर पट्टा चलेंगे, तुम्हारे दिमाग से ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम हैया हैया कल्ले बाद में चाहे हमारी गांड में लाठी खोद दी जाए, कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसे टमाटर जैसे माल हम छोड़ दें, ये ठाकुर देवेंद्र दे से कहां होगा। मेरी जान चुपचाप निकल जाए, मेरी जान मेरे पास आ, एक बार हमारे सीने से लग जाओ, सारी जिंदगी तुम्हारा हम कहां मानेंगे। लेकिन कहना यही है, तुम कहां जा रही हो यार? अरे कहां जा रही हो, बीडीसी की बहनी टहनी तुम्हारी साथ में मोटू, और नहीं तरह से मुझे तुमसे